बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो यहाँ पे जो है वो हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चों को सबको फारग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी, सबसे पहले जो है वो चाय का पानी रखा है, उसके बाद जो है वो आटा निकालते हैं फ्रिज से और अपना जो है वो नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता में जो है वो मैंने बच्चों के लिए जो है वो पराठा बनाना है, तो पैन जो है वो रख लिए चूल्हे पे, साथ में खुश्क आटा भी निकाल लिया। सबसे पहले जो है वो पेड़े वगैरह कर लेते हैं। पहले जो है ना वो रोटी बनाने से पहले जो है वो चाय मैं ऐसे ही जो है ना वो दूध डाल के, पानी डाल के, चीनी पत्ती हर चीज़ डालने के बाद जो है ना वो फिर मैं चाय जो है वो बनने के लिए रखती हूँ। तो मैंने कभी नहीं वो पहले कावा बना के और फिर उसमें पानी डालो, ऐसे ही रख देती हूँ और पक पक के जो है कड़ के अच्छी सी मज़ेदार सी जो है वो हमारी चाय तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने सौंफ और पत्ती डाल के रख दी थी। अब जो है वो सबसे पहले पेड़े बना लेते हैं। तो एक ही पेड़ा मैंने बनाना होता है, बेटियों के लिए पराठा बनाना होता है। अनाबिया जो है वो भी माशाल्लाह से थोड़ा बहुत जो है वो खा लेती है। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो जल्दी जल्दी पराठा बना लेते हैं। छोटा सा मैं पराठा बनाती हूँ, तो बच्चों के लिए जो है वो मैं पराठा बनाती हूँ, अपने लिए मैं पराठा नहीं बनाती। अपने लिए जो है वो बाद में मैं ब्रेड के स्लाइस और साथ में एक अंडा ले लूँगी। तो बेटियों के लिए जो है वो नाश्ता बना लेती हूँ यहाँ पर, और जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता बना के नाश्ता करेंगे। उसके बाद बाकी जो अपने दिन के काम है, रूटीन के काम है, सारे इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बच्चों का नाश्ता रेडी है। तो बच्चों के लिए जो है वो निकालती हूँ पराठा, और साथ जो है उन्होंने सादा योगर्ट लेना होता है। अनाबिया जो है वो भी माशाल्लाह से योगर्ट जो है वो बड़ा खुश होकर खा लेती है। तो बस पराठा निकालती हूँ और साथ जो है ना वो इनको योगर्ट दूंगी और इनको बैठ के नाश्ता करवाती हूँ। जब ये नाश्ते से फारग हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़ा देर लगा देते हैं, थोड़ा 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 करके खाते ना, अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं। तो जी, यहाँ पे जो है वो मेरी चाय भी तैयार हो चुकी थी। अब जो है वो चाय छान लेती हूँ और बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया है और अब अपनी चाय बैठ के एंजॉय करते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब जो है वो बर्तन धो लेती हूँ। थोड़े से मेरे बर्तन होते हैं, इतने ज़्यादा मेरे बर्तन नहीं होते, बस चाय के और एक दो कप, और बस ये मेरे थोड़े से जो है वो बर्तन हैं। तो जल्दी जल्दी जो है वो बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद किचन साफ़ करूँगी और फिर घर की सफाइयाँ करूँगी। तो बस इसी तरह जो है वो सारा दिन गुजर जाता है घर के कामों में। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद घर के काम ख़त्म करके ना, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो मार्केट जाना था, तो मैंने इनको बोला कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, फिर जो है वो बच्चों को लेके मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा से फिर आएंगे और साथ जो है ना वो मार्केट देख आएंगे। तो बस यहाँ पर यही होता है कि थोड़ा बहुत बाहर चले जाओ, बंदा फ्रेश हो जाता है। घर में रह रहे के बंदा तंग आ जाता है, और बच्चे ख़ास तौर पर जो है ना वो घर में आकर बड़ा तंग होते हैं। मेरी आदत है कि मैं बच्चों को हमेशा जो है वो बाहर लेके जाती हूँ। आजकल सर्दियाँ तो कम लेके जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत बेहतियाती हो जाए ना, बच्चे फ़ौरन जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बाहर ऐसे ना लेके जाऊँ, लेकिन यह है कि मार्केट वगैरह में या ऐसे बच्चों को ले जाती हूँ, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। घर में तो सारा दिन बस टीवी देख लो, खा लो, पी लो, और सारा दिन ही टीवी जो है वो बंद होने नहीं देते। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारा किचन भी साफ़ कर दिया। किचन साफ़ करने के बाद अब घर की सफाइयाँ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सफाइयाँ करने के बाद जो है ना फिर बच्चों को लेके जो है वो जल्दी जल्दी रेडी किया और ख़ुद भी रेडी हुए, क्योंकि सर्दियों में तो सही अच्छा खासा जो है ना वो बच्चों को रेडी करना पड़ता है। जैकेटें पहनाओ, कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़े पहनाओ, खुद पहनो, सबको अच्छा खासा तैयार करते करते टाइम लग जाता है। तो माशाल्लाह से नाबिया ने जो है ना वो चलना शुरू किया। अब मैंने इसको कहा कि आज ऐसे ही इसको जो है ना वो पैदल लेके जाते हैं गाड़ी की तरफ, तो ये पैदल जो है वो हमारे साथ जा रही थी।
अच्छा जी, जब जो है ना मैं जर्मनी में आई थी तो ज़ुबान जो है वो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आते ही सीख ली थी, बच्चों के पैदा होने से पहले ही, क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना फिर बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पे हम जैसों के लिए जो यहाँ पे अकेले हैं, जिनके घर में जो है वो बच्चे संभालने के लिए कोई भी नहीं होता। तो बस हम लोग जो है वो यहाँ पे, फिर मैंने आते ही जो है वो ज़ुबान सीख ली थी। कुछ जो है वो मैं पाकिस्तान से ज़ुबान का टेस्ट करके फिर मुझे वीज़ा मिला था, फिर मैं आई थी, और बकाया जो आते ही जो है वो मैंने दोबारा से अपनी ज़ुबान यहाँ पे आके सीख ली थी। तो अब मार्केटों में जाते हुए, डॉक्टर्स के पास जाते हुए, हर जगह पे जहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है मुझे कोई मसला नहीं होता। मुझे थोड़ी बहुत जो है वो जो नहीं समझ आती वो मैं इंग्लिश में पूछ लेती हूँ, बाकी जो तकरीबन ज़्यादा जो है ना वो मुझे ज़बान की समझ आ जाती है। यहाँ पे जो है वो जर्मनों का ये भी बहुत मसला है, ये इंग्लिश नहीं बोलते, नहीं तो बंदा थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल के ना तो बंदा गुजारा कर लेता है। ये लोग आती है इनको, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। आँख खोलो। चलो, तो जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मेरे साथ इतना मसला बनता था, जब मुझे ज़बान की समझ नहीं आती थी और मैं जो है इनको बोलना कि मुझे इंग्लिश में समझा दें, तो इनको इंग्लिश भी इतनी ख़ास जो है वो, कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छी खासी बोल लेते हैं, लेकिन अक्सर जो है ये बोलने में ना जो पता नहीं जानबूझ के नहीं बोलते या क्या, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लैंग्वेज जो है ना उसका कोर्स करवाएं। तो फिर मैंने आते ही जो है वो बेआइंस कर लिया, कुछ मार्केटों में जाते हुए, फिर जब बच्चे पैदा हुए हैं तो हॉस्पिटलों में जाओ, डॉक्टरों के पास जाओ, कोरोना टाइम में तो वैसे ही जो है वो अकेले जाना पड़ता था। तो ऐसे तुक्के से बोलते 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 अब माशाल्लाह से थोड़ी बहुत जो है ना वो समझ आना शुरू हो गई थी। ज़बान जो है वो बोलने से ही आती है। अब बच्चे माशाल्लाह जब स्कूल जाएंगे, किंडरगार्टन जाएंगे, फिर इनके साथ इनकी मीटिंगों पे जाओ, ये वो सारा, फिर ये है कि ज़ुबान जो है ना वो परफेक्ट बोलनी आ जाएगी। तो अभी जो है ये है कि थोड़ा बहुत जो है वो मैं गुजारा कर लेती हूँ, समझ मुझे आ जाती है, लेकिन बोलते हुए थोड़ा बहुत जो है ना वो मसला बनता है, क्योंकि इतना जो है वो ख़ास कभी बोला नहीं है। तो वैसे भी मार्केटों में आते जाते इन चीज़ों के नाम पढ़ते पढ़ते वैसे काफ़ी लफ्ज़ जो हैं वो ऐसे ही याद हो गए थे। तो बस इस तरह है कि अगर कोशिश करो तो हर चीज़ जो है वो बंदा सीख लेता है। तो ये लोग भी हैरान होते हैं कि आप दूसरे मुल्कों से आके यहाँ पे हमारे मुल्कों में हमारी ज़बान जो है वो किस तरह सीख लेते हैं या बोल लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर बंदा बोलने लग जाए ना तो फिर बड़ी अच्छी जो है वो बंदे को ज़बान समझ आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो आज हम लोग आए थे एलडी पे, मैंने कहा चलो एलडी पे देखते हैं। एलडी पे ना बहुत ज़्यादा सामान लगता है, बहुत ज़्यादा, इसमें घर का सामान, बर्तन, चीज़ें, बच्चों के कपड़े, हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना। अब इन्होंने कुछ एलडियाँ जो हैं वो बहुत खुली खुली कर दी हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बड़ी बच्चों की भी वैसे भी। तो मैं यहाँ पे यही देखने आई थी, ऐसे ही हम लोग को टाइम पास, मैंने कहा जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेनी थी, तो मैंने कहा चलो एलडी देख के आते हैं, साथ में जो है ना वो देख आते हैं कि क्या क्या चीज़ है। बाज़ ऑफ़ बर्तन बहुत अच्छे और बहुत जो है ना वो मिल जाते हैं। और ये देखें 2023 का जो है ना वो अभी भी इनके पास कैंडल्स और मोमबत्तियाँ जो है ना वो अभी भी पड़ी हुई थी। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना अक्सर ये सेल में लगा देते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो बस अब हम लोग जो है वो घर वापस जा रहे थे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।